hello students let us continue chapter 8 decimals in the previous class we discussed about subtraction of decimals and we discussed two questions of exercise 8.6 let us now continue exercise 8.6 question number 3 raju bought a book for rupees 35 Point six five. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? So, in this question, राजू बॉट अ बुक एंड द कॉस्ट ऑफ द बुक इज़ रुपीज़ थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव यानी कि थर्टी फाइव रुपीज़ एंड सिक्सटी फाइव पैसे राजू गे फिफ्टी रुपीज़ टू द शॉपकीपर राजू ने पूरे फिफ्टी रुपीज़ शॉपकीपर को दिए लेकिन बुक की कॉस्ट जो थी दैट वॉज ओनली थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव रुपीज़ सो है शॉप जो है वो इतने पैसे सब्ट्रैक करेगा रिड्यूस करेगा और कुछ पैसे राजू को वापस देगा सो वॉट इज दैट मनी दैट इज वॉट वी आर आस्ट हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर सो लेट इज द सॉल्यूशन टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट राजू गेव रुपीज़ फिफ्टी टू द शॉपकीपर दैट इज मनी राजू गेव टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी कॉस्ट ऑफ बुक बोट बाई राजू इज इक्वल टू रुपीज थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव सो जो मनी ही शुड गेट बैक दैट इज़ रुपीज फिफ्टी माइनस रुपीज थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स फाइव दैट इज मनी ही शुड गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर तो फाइन करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट फिफ्टी यहाँ पर पॉइंट के बाद वी हैव टू डिजिट्स तो यह ब्लैंक है तो वी विल राइट

Is rupees 14.35. In this way, we can write the last statement, concluding statement. Therefore, Raju should get back rupees 14.35 from the shopkeeper. Question number 4 Rani had rupees 18.50. She bought one ice cream cone for rupees 11.75. How much money does she have now? रानी के पास एटीन रुपीज़ और फिफ्टी पैसे थे दैट इज़ रुपीज़ एटीन पॉइंट फाइव जीरो शी बॉटन एन आइसक्रीम कोन फॉर रुपीज़ इलेवन पॉइंट सेवन फाइव नाव दिस इज़ हाउ मच मनी शी स्पेंट ऑन बाइंग वन आइसक्रीम क्रीम वी आर आज दैट हाउ मच मनी डज शी हैव नाओ तो अभी जो रिमेनिंग है जो दो बैलेंस है उसके लिए क्या करेंगे जो टोटल तो रुपीस था उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट दिस देन वी विल गेट द मनी शी हैज़ नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज़ मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थ्री वीज इज डिस्किस सो यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर ऑन योर ओन सिंपली यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इलेवन फ्रॉम एटीन एंड राइट द प्रॉपर सॉल्यूशन इन योर नोटबुक Question number 5. Tina had 20 meter, 5 centimeter long cloth. She cuts 4 meter, 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. How much cloth is left with her? सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी आस्ड हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ यानि कि कितना कपड़ा बाकी है कितना बचा हुआ है सो वेन वी नीड टू फाइंड वॉट इज लेफ्ट तो हम क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओब्वियसली ट्वेंटी मीटर इज मोर दैन फोर मीटर ट्वेंटी मीटर फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग जो क्लॉथ था उसमें से फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर लेंथ का क्लॉथ कट किया फॉर मेकिंग अ करटन यानी कि वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस टू first of all we will convert them in the decimal number and then we will subtract to find out the length of the cloth that was left with tina the question says tina had 20 meter and 5 centimeter cloth with her so the length of cloth tina had is equal to 20 meter 5 centimeter and we are given that she cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain isme se कर्टन के लिए फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर क्लॉथ वो कट करती है दैट इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ शी कट्स फॉर कर्टन इज इक्वल टू फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ फॉर दैट वी विल सब्ट्रैक्ट फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम ट्वेंटी मीटर फाइव सेंटीमीटर सो पहले तो हम इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो ट्वेंटी मीटर फाइव सेंटीमीटर कैन बी रिटर्न एज ट्वेंटी मीटर प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड मीटर सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इट इज़ सिमिलर टू हाउ वी डिड फॉर एडिशन इन द सेम वे वी हैव टू डू हेयर फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल सो हेयर वी हैव ट्वेंटी प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड दिस इज इन मीटर्स नाउ सो एडिंग दिस टू वी गेट ट्वेंटी पॉइंट जीरो फाइव मीटर इन द सेम वे वी कैन कन्वर्ट फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर एज वेल सो वी हैव फोर पॉइंट फाइव मीटर्स नाउ ट्वेंटी मीटर फाइव सेंटीमीटर माइनस फोर मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है तो अब इनका डिफरेंस फाइन करेंगे द डिफरेंस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट जीरो फाइव माइनस फोर पॉइंट फाइव जीरो सो यहाँ पर फोर पॉइंट फाइव को फोर पॉइंट फाइव जीरो लिखा है सो वैन वी सब्ट्रैक्ट फाइव माइनस जीरो इज फाइव यहाँ पर वी हैव जीरो बट फाइव इज़ ग्रेटर सो

सो so, यहाँ पर ये टेन है टेन माइनस फाइव इज फाइव पॉइंट एज इट इज़ ये नाइन हो गया था क्या किया है ट्वेंटी पॉइंट ज़ीरो फाइव था वी हैव डन दिस बिफोर बट यहाँ पर ये ज़ीरो है ये ज़ीरो को यहाँ से एक चाहिए वन चाहिए बट यहाँ पर ज़ीरो है तो क्या करेंगे यहाँ से वन कैरी करेंगे सो तो ये जो ज़ीरो है इट विल बिकम टेन ठीक है बट ऑलरेडी हम एक इसको देंगे बिकॉज़ वी नीड टू मेक दिस टेन सो टेन में से वन गया तो वी आर लेफ्ट विथ नाइन इस तरह से इसको रीग्रूप करेंगे सो दिस इज नाइन माइनस फोर विच इज फाइव और यहां पर वी हैव वन एज इट इज ठीक है वन माइनस वी कैन टेक जीरो दिस इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव देफो वी कैन राइट फिफ्टीन पॉइंट फाइव फाइव मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट विथ टीना क्वेश्चन नंबर सिक्स Namita travels 20 km 50 m every day out of this she travels 10 km 200 m by bus and the rest by auto how much distance did she travel by auto in this question total distance traveled by namita is 20 km and 50 m every day ठीक है दिस इज द डिस्टेंस शी ट्रेवल्स एवरी डे ट्वेंटी किलोमीटर एंड फिफ्टी मीटर इसमें से शी टेक्स बस एंड ऑटो टू रीच द डेस्टिनेशन तो बस से शी ट्रैवल्स टेन किलोमीटर एंड टू हंड्रेड मीटर सो हमसे क्या सवाल किया है वी आर आस्ट दैट ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है उसमें से इतना शी ट्रैवल्ड बाय बस सो जो डिस्टेंस बच गया है द डिस्टेंस विच इज़ लेफ्ट दैट विल बी द डिस्टेंस शी ट्रैवल्ड बाय ऑटो तो वो फाइंड करने के लिए हम सब करेंगे ट्वेंटी किलोमीटर में से टेन किलोमीटर 200 meter. So that is we will subtract 10 kilometer, 200 meter from 20 kilometer, 50 meter. Then we will get the answer. So now this question is also similar to question number five. So question number six is homework for you. You need to solve this question on your own and write the proper solution in your notebook. Question number seven. Akash bought vegetables weighing 10 kilogram. आउट ऑफ दिस थ्री किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम इज़ अनियन्स टू किलोग्राम सेवेंटी फाइव ग्राम इज़ टोमेटोज एंड द रेस्ट इज़ पोटेटोज़ वॉट इज़ द वेट ऑफ द पोटेटोज सो यहाँ पर आकाश के पास टोटल वेट जो है दैट इज़ टेन किलोग्राम्स उसमें से थ्री किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम जो है वह अनियन्स का वेट है टू किलोग्राम सेवेंटी फाइव ग्राम इज द वेट ऑफ टोमेटोज इसके अलावा जो वेट बचा है दैट विल बी द वेट ऑफ पोटेटोज तो वो हमें कैलकुलेट करना है हाउ विल वी फाइंड इट लेट इस दोलूशन इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन आकाश बॉड वेजिटेबल्स वेइंग टेन के जी यानी कि टोटल वेट ऑफ़ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू टेन के जी एंड इन दैट वी आर गिवन वेट ऑफ आनियंस Is equal to 3 kilogram 500 gram and weight of tomatoes is equal to 2 kilogram 75 gram. We need to calculate the weight of potatoes. तो क्या करेंगे टोटल वेट में से इन दोनों का वेट हम माइनस कर लेंगे तो वी विल हैव वेट ऑफ पोटेटोज ठीक है टोटल हमारे पास टेन किलोग्राम है तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉट इनका वेट होगा वो टेन किलोग्राम में से सब्ट्रैक करेंगे तो जो वेट बच गया द लेफ्ट आउट वेट विल बी द वेट ऑफ पोटेटोज वंस अगेन वेट ऑफ पोटेटोज जो है वो फाइंड करने के लिए टोटल वेट में से इन दोनों का वेट सब्ट्रैक करेंगे यानी कि पहले हम ऐड करेंगे वेट ऑफ ऑनियंस एंड वेट ऑफ़ टोमेटोस उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक करेंगे टेन किलोग्राम में से यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस इन दिस वे फर्स्ट यू कैन सब्ट्रैक्ट थ्री किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम फ्रॉम टेन किलोग्राम और जो आंसर आए उस में से आप टू किलोग्राम सेवेंटी फाइव ग्राम सब्ट्रैक कर सकते हो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन डू इट और इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो द आंसर विल बी सेम बट बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ थ्री किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम तो हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम को किलोग्राम में सो थ्री किलोग्राम विल बी रिटर्न एज इट इज एंड दिस इज फाइव हंड्रेड अपॉन थाउजेंड किलोग्राम सो दिस बिकम्स थ्री प्लस यहाँ पर जीरोज गेट्स कैंसिल वी हैव फाइव अपॉन टेन दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव किलोग्राम ठीक है यहाँ पे दो जीरोज़ कैंसिल होंगे ये ज़ीरो एज इट इज़ है फाइव पॉइंट टेन इज़ जीरो दिस इज थ्री पॉइंट फाइव किलोग्राम सो थ्री किलोग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम इज थ्री पॉइंट फाइव किलोग्राम नेक्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट टू किलोग्राम सेवेंटी फाइव ग्राम टू किलोग्राम सो इन द सेम वे वी कैन कन्वर्ट दिस दिस इज़ टू पॉइंट जीरो सेवन फाइव के जी नेक्स्ट हमें क्या करना है वी नीड टू एड दिस टू सो यहाँ पर जो हमें डेसिमल्स मिले उनको एड करेंगे सो एडिंग दिस टू वी नीड जीरो प्लस फाइव इज़ फाइव जीरो प्लस सेवन इज सेवन एंड फाइव प्लस जीरो इज फाइव एंड दिस इज़ फाइव पॉइंट फाइव सेवन फाइव सो अब वेट ऑफ पोटेटोज़ के लिए क्या करना था हमें टेन के जी में से जो इसका आंसर है वो तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 5.575 किलोग्राम फाइव वेट ऑफ पोटैटोस विल बी इक्वल टू 10 के जी माइनस फाइव किलोग्राम सो इस तरह से इसको अरेंज करेंगे 10 कैन बी रिटर्न एज टेन पॉइंट जीरो माइनस फाइव पॉइंट फाइव सेवन फाइव हेयर वी हैव थ्री डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस इसीलिए लिए टेन पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो लिखा है ओके सो यहाँ पर वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड सो दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट इट क्योंकि यहाँ पर सारे जीरो से और ये नंबर्स उनसे ग्रेटर है सो हेयर दिस विल बिकम नाइन इनिशियली दिस नंबर विल बिकम टेन बट हम एक कैरी करेंगे तो वी विल हैव नाइन ओवर हेयर दिस ऑल्सो बिकम्स टेन एट फर्स्ट एंड देन हम इसको जब रीग्रुप करेंगे यानी कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे सो so इसको हम नाइन कर देंगे एंड दिस विल बिकम टेन ठीक है सो so, यहाँ पर टेन माइनस फाइव वी हैव फाइव सेवन माइनस नाइन इज़ टू एंड नाइन माइनस फाइव इज फोर पॉइंट एज इट इज नाइन माइनस फाइव इज़ फोर सो हेयर वी विल गेट द वेट ऑफ पोटेटोज विच इज़ फोर पॉइंट फोर टू फाइव किलोग्राम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जैसे पहले करते थे वैसे ही किया है टेन पॉइंट जीरो 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 था और यहाँ पर वी हैड फाइव सेवन फाइव ओके सो यहाँ पर ज़ीरो माइनस फाइव पॉसिबल नहीं है तो वी नीड टू मेक इट टेन बाय कैरियंग वन फ्रॉम दिस बट दिस इज ऑल्सो जीरो तो क्या करेंगे यहाँ से बिगिन करेंगे दिस विल बिकम नाइन एंड दिस विल बिकम टेन क्योंकि हम लोग वन यहाँ पे कैरी करेंगे लेकिन दिस अगेन बिकम्स नाइन बिकॉज यहाँ पर हम लोग वन कैरी करेंगे इस डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ से जब हम लोग वन यहाँ पर कैरी करेंगे तो दिस बिकम्स नाइन एंड दिस बिकम्स टेन ठीक है तो टेन माइनस फाइव इज़ फाइव नाइन माइनस सेवन इज़ टू एंड नाइन माइनस फाइव इज़ फोर और यहाँ पर नाइन है और यहाँ पर फाइव है तो नाइन माइनस फाइव इज़ अगेन फोर देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटोज इज़ फोर पॉइंट फोर टू फाइव किलोग्राम दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेन ये आपको सॉल्यूशन के साथ लिखना नहीं है दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पर रीग्रूप किया है सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सेवन इन दिस वे यू नीट टू राइट द सल्यूशन इन योर नोटबुक